हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन इजी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे नींबू का चटपटा अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी, तीखा और चटपटा होता है। खाने को डाइजेस्ट करता है, पचा देता है, जिससे कि आपको कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये आधा किलो नींबू है, इसको धो के अच्छे से सुखा के रख लिया है मैंने। 2 चम्मच अजवाइन है, 2 चम्मच जीरा है। जीरा को आप भून के भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे डालने से ज़्यादा टेस्ट आता है। और ये 2 चम्मच लाल मिर्च है। लाल मिर्च अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं। और ये 3 चम्मच काला नमक है। आप चाहे तो 1.5 चम्मच काला नमक और 1.5 चम्मच नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं, लेकिन काला नमक डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और ये दो नींबू को मैंने निचोड़ के उसका रस निकाल लिया है, इसे भी हम यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नींबू को लेके इसको हम पतला पतला, इसकी जो स्लाइस है पतली पतली, वो काट लेंगे। मैंने सारे शेप में काट लिए हैं। आप ये आपके ऊपर है कि आप कौन से शेप का खाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी शेप में नींबू को कट कर सकते हैं। अब हम ये जो मसाले हैं इन सबको मिक्स करेंगे एक एक करके सारे। सारे मसाले मिक्स कर लेंगे, नमक और नींबू का रस मिलाएंगे, जिससे कि ये सारे मसाले हैं अच्छे से एक दूसरे से चिपक जाएं। और जब हम इसे नींबू में मिलाएं तब ये उसमें भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है काले नमक की और सारे मसालों की, बहुत ही अच्छा टेस्टी लग रहा है। अब मसाले मिक्स हो गए, इसमें हम नींबू डाल देंगे। नींबू डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले मिक्स कर लिए मैंने, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और जब ये पक जाएगा इसे हम अब धूप में रखेंगे, कम से कम 5 से 6 दिनों के लिए इसे धूप लगाएंगे हम। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका कितना अच्छा कलर आया और कितना टेस्टी लग, कितना अच्छा लगेगा ये बिल्कुल पकने के बाद, गलने के बाद। इसको किसी कंटेनर में रख लें, उसके बाद फिर धूप में धूप लगाएं। अब देखिए मैंने कांच के कंटेनर में डाल दिया है, इसे अब हम 7 डेज़ के लिए धूप में रख लेंगे। देखिए अब ये मैंने 7 दिन रखे थे, 7 डेज़ के लिए धूप में रखे थे, ये बिल्कुल गल गया है अच्छे से। इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, कितना डिलीशियस, इतना टेस्टी है ये, इतना तीखा और टेस्टी। जिसको तीखा पसंद है वो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये, इतना ज़्यादा अच्छा है। देखिए कितना टेस्टी है, डिलीशियस है बिल्कुल, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आपको हर चीज़ किसी भी खाने में, कोई भी मील में, आप नाश्ते में खाएं, लंच में खाएं, डिनर में खाएं, कभी भी खाएं, ये जो अचार है नींबू का, ये आपको खाने का जो मज़ा है, टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बहुत ही टेस्टी बना है ये नींबू का अचार, मैं तो बहुत ही बना के खाती हूँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलती हूँ किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय।